स्वागत है आपका करियर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की क्लास में मॉडर्न हिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर है। ये लेक्चर जो है भारत के संविधानिक विकास से जुड़ा हुआ है, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के दौरान भारत में जो संवैधानिक विकास हुआ है वो कैसे हुआ है और कौन कौन से अधिनियम के द्वारा जो है भारत में संवैधानिक विकास हुआ है। तो ये जो काल है ये 1773 से लेकर 1947 तक का कुल बनता है, यानी इसमें जब से ब्रिटिश कंपनी भारत में आई उसके बाद धीरे धीरे कानूनों का निर्माण हुआ और 1858 के बाद भारत में ब्रिटिश सत्ता का विकास हुआ और अंत में 1947 में जब भारत की आज़ादी हुई। तो ये लगभग 200 साल का एक लंबा काल था जिस दौरान भारत में ब्रिटिश सत्ता के दौरान संवैधानिक विकास होता है। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। तो सबसे पहले 1757 में बंगाल में ब्रिटिश सत्ता की शुरुआत होती है, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी जो है बंगाल से सत्ता निर्माण शुरू करती है। उसके बाद जो है धीरे धीरे कंपनी जो है बंगाल में अपने प्रशासन को शक्तिशाली बनाती है, परंतु कंपनी के प्रशासन में काफ़ी ज़्यादा भ्रष्टाचार था, करप्शन थी और कंपनी के ऑफिसर जो हैं प्राइवेट ट्रेड में इंडल्ज रहते थे, यानी वो अपना व्यक्तिगत व्यापार करते थे। कंपनी का इसमें व्यापारिक नुकसान होता था और एक तरीके से कंपनी जो है फाइनेंशियल लॉस में आने लगी। तो ये बात जो है जब इंग्लैंड में पता चली तो ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा कंपनी को रेगुलेट करने की मांग होने लगी। तो इस मांग को पूरा करने के लिए 1773 में पहली बार जो कानून बनता है 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट, ये पहला कानून था जिसको रेगुलेटिंग एक्ट कहा गया, यानी कंपनी को रेगुलेट करने वाला एक्ट। यानी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए जो कानून आता है उसे हम रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 कहते हैं। तो हम इस कानून को सबसे पहले देखेंगे, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, इसके कौन कौन से प्रावधान हमें दिखाई देते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि इस अधिनियम यानी इस एक्ट का उद्देश्य जो है कंपनी के प्रशासन को नियंत्रित करना था, यानी रेगुलेट करना था। तो रेगुलेट करने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इसको एक तरीके से एक रेगुलेटेड कंपनी या एक नियमित कंपनी बनाने का प्रयास किया। सबसे पहले जो है कंपनी में प्राइवेट इन्वेस्टर यानी इन्वेस्टर होते थे, निवेशक होते थे जो कंपनी के नीति निर्माण में भाग लेते थे। इस कानून के द्वारा जो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने और ब्रिटिश कैबिनेट ने प्रयास किया कि कंपनी के प्रशासन को उसके कामकाज को खुद देखा जाए, तो इसके लिए भारत में कंपनी के प्रशासन को नियंत्रित करने के लिए एक गवर्नर काउंसिल बनती है, यानी गवर्नर्स काउंसिल बनती है। ये काउंसिल जो है जिसे हम गवर्नर का प्रशासक मंडल कह देते हैं, यानी एक तरीके से ऐसी काउंसिल का निर्माण होता है जो 4 मेंबर थी, यानी इसमें 4 सदस्य होते हैं, एक इसमें गवर्नर था, यानी प्लस जिसका जो बंगाल का गवर्नर था वो उसका मेंबर होता था। तो ये गवर्नर काउंसिल जो है भारत में रूल मेकिंग यानी नियम और कानून बनाने के लिए जिम्मेवार थी, यानी भारत में जितने भी कानून बनने थे वो गवर्नर की काउंसिल के द्वारा बनने थे। इसमें 4 मेंबर थे और ये चारों मेंबर जो है मिलकर मेजॉरिटी से यानी बहुमत से निर्णय करते थे और कानून का निर्माण होता था। तो गवर्नर काउंसिल में विधि निर्माण यानी लॉ मेकिंग होती थी उस समय के काल में। जो बंगाल का गवर्नर था वो पावरफुल था, यानी बंगाल के गवर्नर को यहाँ पर शक्ति दी गई थी, वो शक्तिशाली था और उसके तहत जो अन्य गवर्नर थे जैसे मद्रास का गवर्नर और बॉम्बे का यानी बम्बई का गवर्नर, तो बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर जो हैं वो बंगाल के गवर्नर के तहत आते थे या उसके अंतर्गत आते थे, जो उसके नीति के मानना उनको पड़ता था और वो मद्रास में और बम्बई में उनके नियमों को लागू करते थे। तो एक तरीके से 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट ने भारत में नियम बनाने के लिए और कानून बनाने के लिए गवर्नर काउंसिल को स्ट्रॉन्ग किया, शक्तिशाली बनाया।
इसमें मेजॉरिटी से नियम होते थे। शुरुआत में क्या हुआ है, इसमें आपस में थोड़ा विवाद भी रहा है, परंतु धीरे धीरे जो है ये काउंसिल जो है शक्तिशाली होकर उभरी थी। तो इसके बाद देखते हैं कि इसके चार मेंबर थे जो मिलकर नीति निर्माण करते थे। इसका दूसरा पर प्रावधान आता है जो इस कानून में था, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। 1773 के कानून द्वारा भारत में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई है। ये सुप्रीम कोर्ट जो है कलकत्ता में स्थापित किया गया था, यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता, इसको कलकत्ता के नाम से जाना जाता था, क्योंकि उस समय अंग्रेजों का नियंत्रण जो है बंगाल तक था, जिसमें उड़ीसा और बिहार आते थे। तो इसको मुख्य रूप से कलकत्ता में स्थापित किया गया। इस सुप्रीम कोर्ट का कार्य जो है अंग्रेजों के विवादों को हल करना था, यानी ये ब्रिटिश लोग जो भारत में रहते थे उनके लिए इसकी ज्यूरिसडिक्शन थी, उनके विवादों को ये हल करता था। नेक्स्ट आता है 1773 का कानून जो है एक हॉनेस्ट गवर्नमेंट, हॉनेस्ट गवर्नमेंट के प्रिंसिपल को लेकर चलता है, यानी एक ईमानदार प्रशासन। यानी कंपनी के अंदर काफ़ी भ्रष्टाचार था, कंपनी जो है जातियां करती थी, भारत में एक्सप्लोटिव नेचर की थी, तो उसको दूर करने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक कॉन्सेप्ट रखा जिसको हॉनेस्ट गवर्नमेंट कहा गया, ईमानदार सरकार। इसका उद्देश्य था कि कंपनी जो है एक नियम के तहत ईमानदार तरीके से कार्य करे, करप्शन को दूर करे। तो करप्शन को दूर करने के लिए प्राइवेट जो व्यापार होता था, निजी व्यापार भी कह सकते हैं, तो निजी व्यापार को बंद कर दिया गया। यानी इस कानून के द्वारा जो है जो ऑफिसर निजी व्यापार में भाग लेते थे उनको मना कर दिया गया कि अब वो प्राइवेट ट्रेड नहीं कर सकते, उनको जो कंपनी का ट्रेड है उसी के तहत ही कार्य करना होगा। तो एक तरीके से 1773 का जो कानून है वो ईमानदार सरकार के तहत कार्य करता था। इसके तहत यानी पहली बार कंपनी के जो राजनीतिक कार्य थे, राजनीतिक और वाणिज्यिक, उनको स्पष्ट किया गया। यानी जो पॉलिटिकल कार्य होते थे, जो पॉलिटिकल ज्यूरिसडिक्शन होती थी वो, और जो उसकी कमर्शियल ज्यूरिसडिक्शन होती थी, उनको निर्धारित किया गया था। और इस कानून में ट्रायल को, ट्रायल और एरर, यानी या ट्रायल बैलेंस कह सकते हैं इसे, कि पहली बार ट्रायल किया जाएगा कि कौन सा नियम सही है, और उसको बैलेंस तरीके से लागू किया जाएगा, यानी परीक्षण और संतुलन का सिद्धांत जो है इसके तहत लागू किया गया था। यानी किसी भी व्यक्ति को, किसी भी ऑफिसर को ज़्यादा शक्तिशाली नहीं बनाया गया, दूसरा ऑफिसर उसको एक तरीके से बैलेंस करने के लिए कार्य करता था। तो ये कानून जो है, यानी 1773 का जो पहला रेगुलेटिंग एक्ट था, ये बहुत ही महत्वपूर्ण था। इसने कंपनी को एक तरीके से ब्रिटिश पार्लियामेंट के तहत करने का प्रयास किया है। दूसरा कानून आता है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। याद रखने वाली बात है कि पिट्स इंडिया एक्ट जो है ये ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, उस समय इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री थे, पीएम थे पिट्स, उनके प्रयासों से बना था। और पहली बार जो है इंग्लैंड में भारत के मुद्दे पर सरकार गिर गई थी, तो दोबारा इलेक्शन हुए, और इलेक्शन के बाद जो है पिट्स जो वहां के जो पिट्स थे वो प्रधानमंत्री बने, उन्होंने नया कानून बनाया। अब देखने वाली बात है कि ये ऐसा एक्ट है ये ऐसा कानून था जिसके तहत इंग्लैंड में प्रशासन को चेंज किया गया है। इंग्लैंड में जितना भी प्रशासन था कंपनी का, उसको चेंज किया गया है। यानी इस कानून के द्वारा कंपनी के जो इंग्लैंड में जितने भी ऑफिसर थे, जितने भी उसके नियंत्रक थे, इन्वेस्टर थे, उनको चेंज किया गया, उनकी नीति में चेंज किया गया था। जबकि 1773 के कानून में भारत के अंदर प्रशासन को चेंज किया गया था। ये भी क्वेश्चन कई बार आया है कि 1773 में इंग्लैंड में कोई चेंज नहीं था, भारत में चेंज था, और पिट्स इंडिया एक्ट में ब्रिटेन में चेंज किए गए थे जो कंपनी का वहाँ हेडक्वार्टर था। तो इस एक्ट में क्या क्या चेंज है वो देख लेते हैं। तो पहली बार यहाँ पर पॉलिटिकल जो एक्टिविटीज़ थी और कमर्शियल एक्टिविटीज़ थी, यानी कंपनी के राजनीतिक कार्य जो थे और वाणिज्यिक, उन कार्यों को अलग अलग किया गया, यानी सेपरेशन आ जाता है, सेपरेट किया गया, उनको अलग अलग निर्धारित किया गया।
तो एक तरीके से कंपनी के अंदर व्यवस्था लाने का प्रयास किया गया कि कंपनी जो है दो अकाउंट बनाएगी, एक पॉलिटिकल अकाउंट होगा और एक कमर्शियल अकाउंट होगा। कमर्शियल में ट्रेड होगी और पॉलिटिकल में जो भी कंपनी क्षेत्र जीतती है, जिनका प्रशासन चलाती है, उससे संबंधित मुद्दे इसमें आएंगे। फिर आता है इस कानून की सबसे बड़ी बात थी बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज थी जो इस कानून के द्वारा स्थापित की गई है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है, जिसे नियंत्रक मंडल कहा गया है, यानी एक ऐसा बोर्ड था जो नियंत्रण करता था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है ये इंग्लैंड में स्थापित किया गया था। एक ऐसा बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो इंग्लैंड में स्थापित किया गया। ये जो नियंत्रक मंडल था, ये भारत के प्रशासन से, यानी भारत में कंपनी के प्रशासन को, जो कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन करती थी, उसको नियंत्रित करता था, या उसको नियंत्रित करने के लिए बनाया गया था। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल का कार्य था कि कंपनी जितने भी कार्य करती है उनको देखना, उनको नियंत्रण करना, उनको कंट्रोल करना, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का कार्य था। तो जितनी भी वार्ता होती थी, जो चिट्ठियां आदान प्रदान होती थी, मैसेज आते थे, वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है आगे पार्लियामेंट को और कैबिनेट के सामने रखता था। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पास जो है जितने भी मैसेज, जितने भी लेटर आते थे, वो कंपनी के आते थे। यानी कंपनी जो है भारत से अपने सारे निर्णय को बोर्ड ऑफ कंट्रोल को बताती थी, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है पार्लियामेंट को बताता था। तो मुख्य कार्य जो है कंपनी के प्रशासन को नियंत्रित करना था। तो ये बहुत ही शक्तिशाली चीज थी। बोर्ड ऑफ कंट्रोल को जो ऊपर से सुपरविजन होती थी वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करते थे। यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो थे वो इन्वेस्टर होते थे, इन्वेस्टर के द्वारा नियुक्त किए जाते थे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल को नियंत्रित करने का या उसको देखरेख करने का प्रयास करते थे। तो भारत के प्रशासन को बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखती थी। ये एक ऐसी चीज थी या ऐसी कमेटी थी जो भारत के जितने भी प्रशासन थे या जितने भी राजनीतिक कमर्शियल काम थे कंपनी के, वो सारे जो है इसके तहत ही देखे जाते थे। फिर आता है इस कानून में, यानी 1784 के एक्ट में, मद्रास और बम्बई की प्रेसिडेंसी, यानी मद्रास और बम्बई की प्रेसिडेंसी को बंगाल की प्रेसिडेंसी के नियंत्रण में ले आए गए। यानी इस एक्ट के द्वारा बंगाल की प्रेसिडेंसी को पावरफुल बनाया गया और मद्रास और बॉम्बे, यानी बम्बई की प्रेसिडेंसी जो है बंगाल के नियंत्रण में कर दी गई। तो बंगाल का गवर्नर जो है वो शक्तिशाली होता था, और इस काल में, यानी 1784 में, उसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहा गया, यानी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। यानी पहले गवर्नर नाम होता था, अब जो है उसका नाम बदलकर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, यानी उसके अंदर प्रशासन यानी सिविल पावर्स और जनरल यानी मिलिट्री पावर दोनों को मिक्स कर दिया गया। एक तरीके से जो गवर्नर जनरल था वो अब सर्वे सर्वा हो गया, पावरफुल हो गया, उसकी शक्ति में यहां पर बढ़ोतरी की गई थी। तो 1784 के एक्ट ने ब्रिटिश कंपनी को पूरे तरीके से ब्रिटिश पार्लियामेंट के नियंत्रण में ले आए, और इसका प्रशासन जो है अब ब्रिटिश पार्लियामेंट के इंस्पेक्शन में होने लगा। नेक्स्ट कानून आता है 1793 का चार्टर एक्ट। तो 1793 के चार्टर एक्ट में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए थे। ये एक्ट जो है कंपनी के 20 वर्ष के अधिकार को स्पष्ट करता है। यानी कंपनी जो है 20 ईयर, यानी 20 साल के ट्रेडिंग या कमर्शियल राइट के लिए उसको पावर मिली थी। अब पार्लियामेंट उसको 20-20 साल के लिए एक्सटेंड करती थी। यानी कंपनी के जो वाणिज्यिक काम होते थे, कमर्शियल काम होते थे, ट्रेड होती थी, उसको 20 साल के लिए बढ़ाया जाता था। तो पहली बार 1793 में उसको 20 साल के लिए बढ़ाया गया। इसमें गवर्नर जनरल, जो गवर्नर होते थे बंगाल के, मद्रास के और बंबई के, इनकी शक्तियों को परिभाषित किया गया। यानी तीनों प्रेसिडेंसी के अधिकारों को और स्पष्ट किया गया था। बंगाल के गवर्नर जनरल को ज्यादा पावर थी, और मद्रास के और बंबई के गवर्नर की यहां पर पावर को और स्पष्ट किया गया था। तो इसमें एक नए मेंबर, यानी जो गवर्नर की काउंसिल होती थी, जो उसका प्रशासन मंडल होता था, उसके अंतर्गत, प्रशासन मंडल के अंदर एक असैनिक यानी एक नॉन मिलिट्री सदस्य या मेंबर को अपॉइंट किया गया।
एक नॉन मिलिट्री मेंबर को उसमें अपॉइंट किया जाने लगा। तो नॉन मिलिट्री जो मेंबर होता था वो अन्य काम यानी सिविल काम के लिए अपॉइंट किया जाता था। तो 1793 का कानून जो है इसमें ज़्यादा शक्तियों को डिफाइन नहीं किया गया था, इसमें सिर्फ 20 साल के लिए कंपनी के राइट बढ़ाए और मद्रास और बम्बई की गवर्नर की शक्तियों को परिभाषित किया गया और बंगाल के गवर्नर जनरल की शक्तियों को परिभाषित किया गया था। नेक्स्ट आता है 1813 का चार्टर एक्ट। तो ये सबसे महत्वपूर्ण है जिसके अंदर ज़्यादा परिवर्तन या ज़्यादा चेंजेस किए गए थे। तो ये जो है 1813 का जो चार्टर एक्ट है, ये एक्ट जो है एक तरीके से फ्री ट्रेड के लिए था, यानी ये जो है मुक्त व्यापार के कॉन्सेप्ट को लेकर था। तो मुक्त व्यापार यानी फ्री ट्रेड, भारत में कंपनी ने और कंपनी के व्यापार को फ्री कर दिया गया, यानी अब जो है कंपनी के अलावा अन्य जो व्यापारी थे ब्रिटेन के, उनको भी, अन्य व्यापारियों को भी भारत से व्यापार करने की अनुमति मिल गई। तो भारत से व्यापार जो है अब खुल गया यानी ओपन हो गया, ओपन ट्रेड का कॉन्सेप्ट था इसके अंदर। इसके अंदर कंपनी का जो एकाधिकार था, यानी पहले जो है कंपनी की मोनोपोली होती थी, ये मोनोपोली जो है व्यापार में थी, यानी कंपनी किसी और को अनुमति नहीं देती थी व्यापार की। तो यहां पर कंपनी की मोनोपोली जो है वो रिजेक्ट हो जाती है, उसको बंद कर दिया गया, बंद कर दिया गया उसकी मोनोपोली को, और यहां पर उसको ओपन ट्रेड यानी खुला व्यापार के रूप में बदल दिया गया। तो उसकी मोनोपोली समाप्त हुई और फ्री ट्रेड का कॉन्सेप्ट जो है इसमें आया। इसके बाद जो है इसमें अंग्रेजों ने पहली बार भारत में जो कंपनी का प्रशासन था या उनकी पॉलिटिकल कंडीशन थी, राजनीतिक स्थिति जो थी, राजनीतिक स्थिति को यहां पर स्पष्ट किया गया, यानी डिफाइन किया गया पॉलिटिकल कंडीशन को कि ब्रिटेन जो है किस प्रकार से उस पर सत्ता चला रहा है, कौन कौन सी शक्तियां हैं और कैसे भारत को नियंत्रित किया जाएगा फ्यूचर में। तो ये जो है शक्तियों को डिफाइन करने वाला कानून था। इस कानून के तहत यानी 1813 के कानून के तहत एक लाख रुपए जो है शिक्षा पर खर्च करने का कॉन्सेप्ट आया था, यानी एजुकेशन पर पहली बार कंपनी ने अपनी जिम्मेवारी को माना था और इसके लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट ने 1 लाख रुपए सैंक्शन किए थे कि कंपनी जो है भारत में शिक्षा को बढ़ावा देगी। 1 लाख रुपए जो है शिक्षा साहित्य दोनों के लिए अलॉट किए गए थे। तो बाद में इन 1 लाख को लेकर विवाद हुआ था कंपनी के अंतर्गत कि इनको कहाँ पर खर्चा जाए। तो ये पहली बार था कि शिक्षा और साहित्य यानी एजुकेशन और लिटरेसी आदि को पहली बार कंपनी ने प्रमोट करना शुरू किया था। इसके अलावा 1813 का कानून जो है बहुत ही महत्वपूर्ण था। इस कानून के तहत जो है कंपनी ने अपने प्रशासन को धीरे धीरे भारत से एक तरीके से और डिफाइन किया है, यानी कंपनी व्यापार से आगे बढ़कर यहाँ पर राजनीतिक तौर पर अपने आप को शक्तिशाली बनाने लगी थी, यानी पॉलिटिकल रूप से ये कानून जो है काफी महत्वपूर्ण था। नेक्स्ट आता है 1833 का 1833 का चार्टर एक्ट। तो 1833 में एक नया चार्टर एक्ट आता है। ये चार्टर एक्ट जो है इंग्लैंड के अंदर जो औद्योगिक क्रांति थी उसके परिप्रेक्ष्य में आता है, यानी इंग्लैंड में जो औद्योगिक क्रांति थी वो शक्तिशाली रूप से होकर बढ़ रही थी, तो उसका प्रभाव जो है नीति निर्माण पर हो रहा था। तो औद्योगिक क्रांति के प्रभाव से आया था, इसमें खुला व्यापार यानी ओपन ट्रेड का कॉन्सेप्ट तो था ही, साथ में यहाँ पर लेजिस फेयर का कॉन्सेप्ट था, यानी अहस्तक्षेप की नीति जो है इसका एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट इसमें लिया गया था, यानी लेजिस फेरे का कॉन्सेप्ट रखा गया, यानी व्यापार को खुला छोड़ दिया गया, कोई भी उसमें खुले तौर पर व्यापार कर सकता था। उदारीकरण, इसको हम उदारीकरण के तहत भी दे सकते हैं, यानी कंपनी ने व्यापार को उदारीकरण कर दिया था, सॉफ्ट कर दिया था कि कोई भी व्यक्ति जो है अब यहाँ पर व्यापार संबंधी चीज़ें कर सकता है। इस कानून में 20 वर्ष के लिए कंपनी को और अधिकार मिले, यानी कंपनी का प्रशासन, कंपनी का ट्रेड जो है 20 साल के लिए और बढ़ा दिया गया।
इस कानून में यानी 1833 के कानून में कंपनी के वाणिज्यिक अधिकार जो थे, वाणिज्यिक यानी कमर्शियल अधिकार जो हैं वो रद्द कर दिए गए, यानी उनको समाप्त कर दिया गया। याद रखने वाली बात है कि उनका प्रशासन था, कंपनी समाप्त नहीं हुई, परंतु उसके वाणिज्यिक अधिकार धीरे धीरे समाप्त कर दिए। अब जो भी ट्रेड होता था, जो भी कॉमर्स होती थी, वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के या ब्रिटिश कानूनों के तहत होती थी। कंपनी उसमें अपना खुला नीति निर्माण जो है नहीं कर सकती थी। फिर आता है 1833 के कानून में ऑल इंडिया का कॉन्सेप्ट आता है। ऑल इंडिया यानी अखिल भारत का, पहली बार कंपनी ने पूरे भारत पर नियंत्रण करने के प्रयास शुरू कर दिए, तो उन्होंने नीति निर्माण में ऑल इंडिया का कॉन्सेप्ट रखा। अब जो है बंगाल का जो गवर्नर था या बंगाल का गवर्नर जनरल जो था, उस गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल यानी इंडिया का गवर्नर जनरल या भारत का गवर्नर जनरल कहा गया है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन है कि अब बंगाल का जो गवर्नर जनरल है वो ऑल इंडिया का गवर्नर जनरल अनाउंस हुआ। अब पूरा भारत यानी भारत में जितने भी क्षेत्र कंपनी के तहत थे वो सारे जो हैं एक तरीके से बंगाल के गवर्नर के तहत आ गए। उसका नाम बदलकर अब भारत का गवर्नर जनरल हो गया। इस कानून में सेंट्रलाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो शुरू हुआ है, यानी केंद्रीकरण। कंपनी ने सारे प्रशासन को सेंट्रलाइज कर लिया, केंद्रीकृत कर दिया। अब जो है भारत का गवर्नर जनरल जो है केंद्रीकृत शक्तियां रखता था, यानी सेंट्रलाइज पावर रखता था। वो सारे भारत के लिए नीति निर्माण खुद करता था। उसकी काउंसिल जो है अब पावरफुल होने लगी थी, यानी उसकी काउंसिल में ज्यादा शक्तियां आ गई थी। इसमें यानी जो गवर्नर की काउंसिल थी, गवर्नर की काउंसिल में इस कानून के द्वारा एक नए सदस्य की नियुक्ति होती है जो विधि सदस्य था, यानी लॉ मेंबर। पहली बार कंपनी ने एक नए लॉ मेंबर को अपॉइंट करना शुरू कर दिया, तो लॉ मेंबर की काउंसिल में अपॉइंट किया गया जो नीति निर्माण या कानून निर्माण को सलाह देगा। तो फर्स्ट टाइम जो पहला लॉ मेंबर था वो मैकाले था। मैकाले बहुत ही प्रसिद्ध वकील था, लॉर्ड मैकाले कहते हैं इसे। तो मैकाले को पहला लॉ मेंबर अपॉइंट किया गया 1833 के कानून के तहत। तो इससे कंपनी की विधि जो पावर थी, लॉ मेकिंग पावर थी, वो और ज्यादा स्पष्ट की गई थी। इस कानून के तहत एक लॉ कमीशन बनाया गया। तो लॉ कमीशन का कार्य था कि भारत में कानूनों को संहिताबद्ध करना, यानी कोडिफाई करना, यानी कानूनों को लिखना। एक तरीके से भारत के जितने भी कानून थे, सिविल, फौजदारी, उनको कोडिफाई किया गया, संहिताबद्ध करने का प्रयास किया गया। तो इसमें लॉ कमीशन जो है लॉर्ड मैकाले के तहत ही बनाया गया था। तो लॉर्ड मैकाले को ही कमीशन की जिम्मेवारी सौंपी गई थी। और इस लॉ कमीशन ने बाद में आईपीसी और सीआरपीसी के जो कानून थे, यानी भारत के विधि बनी है, फौजदारी कानून बने हैं, पिनल कोड बना है, वो सभी जो हैं इसी कमीशन की रिकमेंडेशन पर बने थे। इसके अलावा इस कानून में चीन और चाय को छोड़कर, यानी चाइना और टी, चीन और चाय के व्यापार को छोड़कर कंपनी की पूरी मोनोपोली जो है वो समाप्त हो जाती है। कंपनी की मोनोपोली जो है वो समाप्त हो जाती है। एक तरीके से कंपनी जो है अब सिर्फ चीन से ट्रेड कर सकती थी और टी, चाय में ट्रेड कर सकती थी। तो कंपनी के पास सिर्फ चाइना और चाय बचे जिसमें वो ट्रेड करती थी, बाकी सारे अधिकार, सारे राइट उसके समाप्त हो गए। अब सारी ट्रेड जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट के तहत पहुंच गई। फिर आता है इस कानून के तहत, इस कानून में कहा गया कि भारत में दास प्रथा को या दास प्रथा का अंत कर दिया जाएगा, यानी स्लेवरी को एंड किया जाएगा। स्लेवरी सिस्टम ऐसा सिस्टम होता था जिसमें दास बनाए जाते थे। तो भारत में इस कानून के द्वारा जो है दास प्रथा के अंत की घोषणा की गई थी। घोषणा की गई थी, कानून बाद में बनाया गया था। नेक्स्ट एक्ट आता है 1853 का चार्टर एक्ट। ये भी काफी महत्वपूर्ण एक्ट है, 1853 का चार्टर एक्ट। इस एक्ट में यानी इस कानून में पहली बार कार्यपालिका और विधायिका,
यानी एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव, इनकी शक्तियों को परिभाषित किया गया यानी डिफाइन किया गया एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव को, और इनको सेपरेट यानी पृथक कर दिया गया। सेपरेशन आता है, सेपरेट कर दिया गया एग्जीक्यूटिव पावर को और लेजिस्लेटिव पावर को, यानी अब जो गवर्नर की काउंसिल होती थी, जो गवर्नर की काउंसिल थी, उस काउंसिल में जितने भी कानून बनते थे वो दो भागों में बनते थे, एक में कार्यपालिका के कार्य होते थे और दूसरी में विधायिका, यानी जितने भी मेंबर थे वो कानून बनाते थे विधायिका में और उनको लागू करते थे कार्यपालिका में, यानी एग्जीक्यूटिव में वो उन्हीं कानून को खुद ही लागू करते थे। तो एक तरीके से गवर्नर की काउंसिल में और व्यापीकरण हुआ, उसके अंदर मेंबर तो बढ़ाए गए, साथ में उसकी शक्तियों को डिफाइन किया गया, सेपरेशन आया एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव का। इस विधान परिषद में, या इसको उस समय विधान परिषद का दर्जा भी मिला है, यानी पहली बार जो गवर्नर काउंसिल है उसे विधान परिषद के नाम से जाना गया यहाँ पर, यानी अब इसके अंदर कानून निर्माण की शक्तियाँ आ गई। तो एक तरीके से ये एक छोटी पार्लियामेंट थी जो उस समय के कानून बनाती थी। तो विधान परिषद के तहत इसके अंदर 12 सदस्य हो गए, यानी इसके अंदर मेंबर की संख्या जो है वो बढ़ा दी गई, क्योंकि इसके अंदर कानून निर्माण का कार्य होने लगा जो पार्लियामेंट में होता है वैसे ही। तो इसके मेंबर जो है 12 थे, 12 मेंबर बना दिए गए। फिर आता है इसमें रीजनल रिप्रेजेंटेशन का कॉन्सेप्ट आता है, यानी क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व। पहली बार इसमें भारत के अन्य क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व देने यानी रिप्रेजेंटेशन देने की बात की गई, कहा गया कि अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग मेंबर होंगे जो काउंसिल में बैठेंगे और काउंसिल में नीति निर्माण जो है इसमें करेंगे। तो एक तरीके से ऑल इंडिया का कॉन्सेप्ट था, या ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल, या ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल का कॉन्सेप्ट, यानी अखिल भारतीय विधायिका जो एक पार्लियामेंट की तरह होगी जिसमें सारे देश के लिए कानून बनेंगे और देश के अन्य भागों से भी इसमें मेंबर जो हैं बैठेंगे। तो 1853 के कानून से विधान परिषद की शक्तियों को डिफाइन किया गया, उसको सेपरेशन किया गया, साथ में उसमें कानून निर्माण से संबंधित प्रावधान किए गए। नेक्स्ट आता है 1858 का, 1858 का एक्ट। इस एक्ट को नया नाम दिया गया, ये एक्ट स्पेशल कंडीशन में आया था, वो बताऊंगा मैं आपको। इसका नाम देख लेते हैं पहले, एक्ट फॉर बेटर गवर्नमेंट इन इंडिया, यानी भारत में, या भारत में बेहतर प्रशासन के लिए, बेहतर प्रशासन के लिए कानून या एक्ट। तो ये ऐसा एक्ट है जो बेहतर यानी बेटर गवर्नमेंट की बात करता है। तो क्यों कंडीशन हुई कि जिसके तहत ब्रिटिश पार्लियामेंट में बेटर गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट लाया गया, हुआ क्या कि 1857 में भारत में रिवॉल्ट हुआ। इस रिवॉल्ट यानी विद्रोह के बाद जो है एक ऐसी स्थिति बनी कि ब्रिटिश पार्लियामेंट को सारी शक्तियों को अपने पास लेना पड़ा। रानी जो थी, ब्रिटेन की रानी जो थी, वो सर्वेसर्वा बनी और सारी शक्तियां जो कंपनी की थी वो समाप्त हो गई। अब भारत का सारा प्रशासन, सारे ही राजनीतिक क्षेत्र, जितना भी क्षेत्र कंपनी के पास था वो ब्रिटिश पार्लियामेंट और ब्रिटिश क्वीन के अंतर्गत चला गया। तो विद्रोह ने क्या किया गया, कंपनी को एक तरीके से समाप्त करना या कंपनी के प्रशासन को समाप्त कर दिया। तो इस कानून के तहत क्राउन रूल का कॉन्सेप्ट आता है, यानी जिसे हम क्वीन कह सकते हैं, उस समय क्वीन थी वहां पर, क्वीन रूल, रानी का प्रशासन या रानी का शासन। तो पहली बार भारत में रानी का जो शासन है वो लागू हुआ। इस कानून के द्वारा कंपनी प्रशासन को अंत कर दिया गया, या कंपनी के शासन को, जो कंपनी के रूल होते थे वो समाप्त हुए, या कंपनी का प्रशासन जो है वो समाप्त हुआ। अब एक प्रशासन नया चला जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के और क्वीन के तहत चलेगा।
तो इसको बेटर गवर्नमेंट क्यों कहा गया? क्योंकि भारत के लोग जो हैं उस समय काफ़ी दबाव में थे, उनका काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर हुआ था, शोषण हुआ था। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने सोचा कि भारत के लोग दोबारा विद्रोह ना करें, उनको एक बेहतर प्रशासन दिया जाए, तो इसके तहत ये कानून बनाया गया। इस कानून के तहत इंग्लैंड में स्थिति को और स्पष्ट किया गया, इंग्लैंड में प्रशासन में कुछ परिवर्तन किए गए, यानी यहां पर जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था उसका अंत कर दिया गया। जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है पहले बना था उसका अंत कर दिया गया, यानी एंड कर दिया गया उसे। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल का अंत होता है, उसकी जगह पर एक नई चीज आती है जिसे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कहा जाता है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यानी राज्य सचिव। तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है वो एक नई बॉडी बनाई गई इंग्लैंड में, जिसमें 15 सदस्य थे, यानी सचिव की काउंसिल थी, राज्य सचिव की काउंसिल बनाई गई जिसके अंदर 15 मेंबर रखे गए। और इसके तहत जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था उसका अंत कर दिया गया, यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल की सारी शक्तियां अब राज्य सचिव के पास चली गई। इसमें 15 सदस्य थे, जो राज्य सचिव था यानी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था वो अब भारत के प्रशासन से जानकार था, यानी वो भारत के प्रशासन को चलाने वाला था। अब राज्य सचिव जिम्मेवार था कि भारत के प्रशासन को उसके द्वारा या उसकी नीति के द्वारा चलाया जाएगा। इसके अंदर, इसकी काउंसिल के अंदर 15 सदस्य थे, जो 15 मेंबर होते थे। इन 15 सदस्यों में से कुछ जो हैं, कुछ यानी 8 जो हैं वो क्राउन द्वारा नियुक्त किए जाते थे और 7 जो हैं वो डायरेक्टर के द्वारा नियुक्त किए जाते थे, यानी पहले के जो डायरेक्टर हैं वो रहे अभी। तो डायरेक्टर जो है 7 मेंबर को अपॉइंट करते थे और क्राउन यानी रानी जो है 8 मेंबर को अपॉइंट करती थी। इसमें जो सेक्रेटरी था यानी राज्य सचिव जो था वो जो है रानी को सलाह देने के लिए और संसद, जो ब्रिटिश संसद थी उनको सलाह देने का एक ऑर्गन या बॉडी बनाया गया। तो राज्य सचिव का कार्य था कि ब्रिटेन की सरकार को वो सलाह देता था, उसकी सलाह में कार्य करती थी, और राज्य सचिव जो है भारत में जितना प्रशासन था उसकी देखरेख करता था। ये एडवाइजरी बॉडी थी। इस कानून के तहत यानी 1858 के कानून के द्वारा जो है भारत में गवर्नर जनरल जो था, गवर्नर जनरल की पोस्ट को डिफाइन किया गया और अब जो है उसे एक नया नाम मिला, वॉइस राय। वॉइस राय कह देते हैं, तो उसे वॉइस राय कहा गया, यानी अब जो है एक नया नाम जुड़ा है, यानी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के साथ साथ यहां वॉइस राय ऑफ इंडिया यानी भारत का वॉइस राय नया नाम जुड़ा है। तो वॉइस राय जो है ये भारत का वॉइस राय जो है इंग्लैंड में कहा जाता था, यानी इंग्लैंड में भारत के गवर्नर जनरल को एक नया नाम मिला, भारत का वायसराय यानी वायसराय ऑफ इंडिया। भारत में उसको गवर्नर जनरल कहा गया जबकि इंग्लैंड में उसको नया नाम मिला वायसराय का। तो सेम नाम है, यानी दो नाम हो गए अब, गवर्नर जनरल इंडिया में और वायसराय जो है इंग्लैंड में। तो दोनों नाम अलग अलग तरीके से कार्य करते थे। तो एक तरीके से 1858 के एक्ट ने कंपनी के रूल को समाप्त किया, कंपनी का प्रशासन समाप्त हुआ, अब उसकी जगह पर क्राउन रूल। तो क्राउन रूल में मुख्यतः क्या था, क्वीन थी, पार्लियामेंट थी प्लस कैबिनेट, यानी ब्रिटेन की तीन चीजों से मिलकर बनती थी ये, रानी जो क्वीन होती थी और ब्रिटिश संसद और ब्रिटिश कैबिनेट। तो कैबिनेट के ये तीन पार्ट थे, यानी क्राउन रूल के तीन पार्ट थे जो क्वीन, पार्लियामेंट और कैबिनेट के रूप में थे। तो एक तरीके से क्राउन रूल ने भारत में प्रशासन जो है शुरू किया है 1858 के बेटर गवर्नमेंट एक्ट के द्वारा। तो ये कानून जो है भारत में एक नई प्रशासन को लेकर आया, नई स्थिति को लेकर आया। इसके बाद यानी 1858 से लेकर 1947 तक भारत में क्राउन रूल चलता है और जितने भी एक्ट बनेंगे वो एक्ट जो हैं या कानून बनेंगे वो नए तरीके से थे,
उनका मुख्य उद्देश्य भारत में सुधार करना होता था, राजनीतिक पॉलिटिकल सुधार किए जाते थे। तो उन कानूनों को यानी जो नए एक्ट आएंगे वो उनको हम नए लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो इस लेक्चर में हमने 1773 से लेकर 1858 तक के जितने भी एक्ट हैं उनको डिस्कस किया है। तो ये लेक्चर कैसा लगा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।